बनारस भी मोदी हार जाए ऐसी भी अनहोनी हो सकती है, ऐसा भी चमत्कार हो सकता है, इसके लिए तैयार है। दो सेट में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की हैसियत से हमने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन पत्र की जो प्राइमरी जांच होती है वो हो गई, सारे पेपर पूरे थे, हमको रसीद दे दी गई। नुसरत अंसारी ने भी नुसरत अंसारी मेरी बेटी ने भी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट की हैसियत से नामांकन दाखिल किया है, और अगर किसी वजह से मेरिट जो फॉर्म दाखिल हुए हैं उसमें कोई दिक्कत महसूस हुई तो ऑटोमेटिकली सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट को सिंबल ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके अतिरिक्त भी नुसरत अंसारी ने एक सेट में अपना निर्दल कैंडिडेट का भी पर्चा 10 नए प्रस्तावकों की ओर से दाखिल हुआ है और उसका वेरिफिकेशन भी हुआ है। अब आप पूछिए और क्या पूछना चाहते हैं। सांसद जी, आज सुनवाई भी थी और ऐसे में अगली डेट तो क्या लगता है सर? नहीं, सुनवाई हो गई और मुझे मेरे वकीलों ने बताया कि हम लोग अपनी बहस कर चुके हैं, सरकार के पक्ष को बहस करनी थी और कोर्ट ने इसमें 20 तारीख लगा दी है उनको बहस के लिए। सर, अगर हम बात करें तो अगर पूर्वांचल के पूरे सीट की बात की जाए, गाजीपुर समेत तमाम, तो क्या देखते हैं सर? आपने आज नामांकन किया और गाजीपुर में भाई एक पूर्वांचल की बात नहीं है, पूरे देश के पैमाने पर मोदी की सरकार पूरी तरह से ध्वस्त होती जा रही है। आज चौथे राउंड का चुनाव हो रहा, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों जो पिछली 19 के चुनाव में 13 की 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी, इस बार उनका बुरा हाल है। उन्नाव की सीट पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार रही है, सीतापुर की सीट पर, लखीमपुर खीरी की सीट पर, इटावा की सीट पर, कन्नौज की सीट पर लाखों वोट से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीत रहे हैं, और अभी शाम तक वोट पड़ना है तो हवा तो निकल गई। जो 13 में 13 थी, 13 में आधी सीट भी मिलना मुश्किल है, तो अब ये तो निश्चित हो चुका है कि केंद्र से मोदी सरकार का पतन निश्चित है और केंद्र में अब इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बननी है। हम आपसे, आपके माध्यम से, देश की जनता से कहेंगे कि जहां अभी वोट पड़ना बाकी है वह लोग लोकतंत्र के इस महायज्ञ में हर हाल में अपना काम धंधा छोड़ के कहीं बाहर हैं तो अपने घर जा कर के अपने मत का प्रयोग करें, अपने लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी ओर से जो सहयोग हो सकता है वो करने की कोशिश करें। बनारस और मछली शहर की क्या स्थिति रहेगी? अब बनारस में तो अभी गंगा पुत्र का 10 वर्ष पूरा हो चुका है, अब देखिए, गंगा एक गंगा पुत्र भीष्म थे जो इच्छा मृत का वरदान था, मोदी जी को चूंकि अंतिम चरण में चुनाव है और जिस तरह से तेजी से हालत खराब होती जा रही, तो जब कोई बुलंदी से गिरने लगता है तो थोड़ी देर तक गिरने की रफ्तार उसकी सामान्य जैसी होती है, जैसे जैसे नीचे गिरता जाता है गिरने की रफ्तार बढ़ती जाती है। क्या लगता है आने वाले? ये गुरुत्वाकर्षण का, ये प्रकृति का सिस्टम है, तो वो जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तेजी से गिरते जा रहे हैं, और बनारस और गाजीपुर में चुनाव अंतिम चरण में होना है, अब आप समझ लीजिए क्या स्थिति है। बनारस भी मोदी हार जाए ऐसी भी अनहोनी हो सकती है, ऐसा भी चमत्कार हो सकता है, इसके लिए तैयार है। इंस्टीट्यूट कैंडिडेट की हैसियत से जैसा कि निर्वाचन आयोग के नियमों में इसका प्राविधान है, पार्टी की तरफ से एबी फार्म अफजाल अंसारी को भी इश्यू हुआ है और पार्टी की तरफ से एबी फार्म नुसरत अंसारी के भी फॉर्म में लगा, उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया, वो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट की होंगी। मेरे नामांकन पत्र में कोई आफत बलाय है तो उस स्थिति में भी वो सिंबल ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा नुसरत अंसारी का, मेरा सिंबल एक्सेप्ट और मेरा पर्चा वैध, कोई आफत बलाय ना आ जाए, कट जाए आप लोगों की दुआ से। इतना सशंकित क्यों है? अरे भाई इतना सशंकित आप लोग बना दिए हैं, गाजीपुर में कोई न्यूज चल रही है लड़ी हाँ कि ना लड़ी हाँ तो कट जाई तो हो जाई,
तो उन रास्तों को बंद करना पड़ेगा ना, जिससे कोई आफत बलाए प्रवेश कर सके। एक सेट निर्दल भी दाखिल हुआ है, एक सेट निर्दल कैंडिडेट की हैसियत से भी नुसरत अंसारी का फुल प्रूफ नामांकन इसको कहा जाए पूरा। आज आपकी हाई कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी, उसमें एक तारीख भी आई है। अब हम अंदर जब गए थे तो पता चला 1 घंटा 40 मिनट हमारे वकील बहस कर चुके थे, बहस जारी थी। उसके आगे की आप कोई खबर हमें बता सकते हो तो बताइए, मुझे भी तसल्ली हो। आशुतोष क्या डेट है? 20 नहीं बता रहे लोग, 20 नहीं बताया जा रहा। अच्छा 20 मई तो महीना है ये यार, 20 मई अगली 20 तारीख की शायद डेट पड़ी है। बहस तो हो गई जजमेंट के लिए या क्या? अब हम डेट पड़ी है। अच्छा तो ठीक है, वो डेट अपनी जगह। सांसद जी, आज आपके साथ मुख्तार अंसारी का बेटा उमर भी आया हुआ है और अटकलें चल रही थी कि उमर अंसारी नाराज चल रहे हैं। कृपा करके ये बताइए, ये अटकल कौन लगा रहा था और हवा इसको कौन दे रहा था? मीडिया में चल रही थी। तो मीडिया के भाइयों से हम लड़े कि विरोधी पार्टियों से लड़े? तो आज उसको इसीलिए लाना पड़ा। नहीं, हम क्यों लाना पड़ा, हम तो परिवार के गार्जियन हैं। इस स्तर पर हमारे परिवार का बच्चा इसमें सम्मिलित हो रहा है, तो आप फिर इसको भी कोई हवा दे दो, कोई हवा दो, क्या करना है? लाना पड़ा का कहाँ से बात आया? वो मेरा घर का बच्चा है, मैंने कल भी कहा था मेरे घर में सब खैरियत है और कोई घुसपैठ काम नहीं आ सकती। चुनाव मजबूती से लड़ रहे हैं, कैसा है चुनाव आपका? हमारा चुनाव आप पता करिए, कोई भी कैंडिडेट अपना चुनाव अच्छा समझता है। हम लोग सादगी के साथ पैदल टहलते हुए अंदर गए, पर्चा भर के जांच पड़ताल करा के वापस चले। कोई दिक्कत समझ में आई? कैसी दिक्कत? जैसे कोई अड़चन या कोई? नहीं, क्या दिक्कत, हमको रसीद दे दिया कि आपके पर्चे में कोई कमी नहीं है। आज आपने नामांकन किया है और चौथे चरण की वोटिंग चल रही है, क्या उम्मीद करते हैं? जो खबरें मिल रही हैं, उत्तर प्रदेश के स्तर पर 13 सीटें हैं जी। इस पिछले 2019 में 13 की 13 सीटें जीत गई थी भारतीय जनता पार्टी। इस बार खैरियत नहीं है, उन्नाव की सीट पर अनु टंडन चुनाव जीत रही है। इस बार लखीमपुर खीरी सीतापुर इटावा और कन्नौज, ये सारी सीटें धुआंधार रोड से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। जनता का रुझान साफ दिखाई दे रहा, इन 13 सीटों में आधी सीट भाजपा बचा ले यूपी में, तो बड़ी बात है। नामांकन के बाद अब क्या, अब आपका कोई आदेश हो तो बताइए। प्रत्याशी के हैसियत से तो हम प्रचार उचार करने के लिए, जनता को सलाम करने के लिए उनके बीच में घूम रहे हैं। नहीं, लगातार आप जो है हर विधानसभाओं में 2-2, 3-3 बार कर चुके हैं अपना दौरा। 7 बार 7 टाइम कर चुके हैं, उसी को एक चास और बढ़ा देते हैं। पहले नौहर्रा लगा के जोता, फिर रोटोवेटर से जोत रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लेवलर लगा के अंतिम चास बिल्कुल लेवल में कर दिया जाए। बाकी आप लोग अपनी दृष्टि से देखिए वास्तविकता क्या है, हम अपने मुंह से कुछ कहना नहीं चाहते, 4 तारीख को ही कहेंगे। समाजवादी पार्टी के हिसाब से जो गाजीपुर लोकसभा है वो उपजाऊ है? समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ है या नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जो जोर लगाए हुए है उसको देखिए कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर को भी पर्चा भराने के लिए बुलाना पड़ा और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी सम्मिलित हुए और पूरी ताकत लगा दिया। हम लोग उनके सामने पर्चा भरने के उस कार्यक्रम के जो दृश्य थे उस मामले में कहीं नहीं खड़े हैं। पिछली बार आपने दावा किया था कि इतने लाख से जीतूंगा, इस बार भी कोई दावा अब नहीं कर सकते। अब 4 तारीख को गणना होगी, वहीं पर आपसे बात होगी। ठीक है।